السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم سامعين، कल के दर्स का मौजू था वो काम जिसके करने से रोज़ा टूट जाता है। कल मैंने आपके सामने ये तमाम बातें पेश की थीं कि अगर कोई जानबूझकर खा लेता है या अगर कोई जानबूझकर उल्टी कर देता है, क़य कर देता है, इसी तरीके से कोई अगर मुर्तद हो जाता है, कोई अगर ताकत का इंजेक्शन लगवा लेता है, कोई अगर अपनी मनी जानबूझकर खारिज कर देता है इस्तिमना बिलियत के ज़रिए, तो उसका रोज़ा टूट जाता है। कुछ बातें रह गई थीं जैसा कि मैंने कहा था इंशाअल्लाह आज के दर्स में आपको बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह वो तमाम बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं जो कल के दर्स में बाकी रह गई थी और जिसका ताल्लुक खुसूसी तौर पर ख्वातीन के लिए है और शादीशुदा लोगों के लिए है। तो सबसे पहला मसला आज का, अगर किसी भी खातून को रोज़े की हालत में हैज़ आ जाता है या निफास, हैज़ कहते हैं जो हर महीने औरत को खून आता है, और निफास कहते हैं बच्चा होने के बाद जो खून आता है, अगर रोज़े की हालत में किसी भी खातून को हैज़ या निफास आ जाता है तो उसका भी रोज़ा टूट जाता है। चाहे वो सुबह आ जाए या इसी तरीके से दिन के 12 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, हत्ता के ग़ुरूब आफ्ताब यानी मगरिब से 10-15 मिनट पहले भी अगर आ जाए, मगरिब से पहले अगर हैज़ या निफास आ जाए, तब भी उस औरत का रोज़ा टूट जाता है। और यही हुक्म हमल का भी है। अगर रोज़े की हालत में डिलीवरी हो जाती है, हमल बच्चा पैदा हो जाता है, तब भी औरत का रोज़ा टूट जाता है। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1951। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं: अलैसा इदा हावत लम तुसिल वलम तसुम फ़ज़ालिक नुक़सानु दीनिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या हैज़ आने से ना तो ये जायज़ है औरत के लिए कि वो रोज़ा रखे और ना नमाज़ पढ़े, फ़ज़ालिक नुक़सानु दीनिहा, ये उनके दीन का नुकसान है। इससे ये मालूम हुआ कि हैज़ की हालत में और निफास की हालत में औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, और रोज़े की हालत में अगर हैज़ या निफास आता है तो रोज़ा टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा बाद में करना, यानी रमज़ान जब ख़त्म हो जाए और जब उनका ये खून बंद हो जाए तो उसके बाद उनको तमाम रोज़ों की क़ज़ा करना है, ये जो छूटे हुए रोज़े हैं ये रखना है। जो बातें कल से अब तक हुई, जिन चीज़ों का ज़िक्र हुआ, जैसे कि जानबूझकर खाने पीने से, क़य करने से और ताकत का इंजेक्शन लगवाने से और हैज़ और निफास के आने से रोज़ा टूट जाता है, तो बाद में इसकी क़ज़ा करना आप पर ज़रूरी है। ये नहीं कि रोज़ा टूट गए तो सारा मामला ख़त्म, नहीं, बाद में आपको हर हाल में रखना है। लेकिन अब आगे जो मसला आ रहा है वो ये है कि रोज़े की हालत में अगर कोई अपनी बीवी से मिल ले, मिलने का मतलब है हम बिस्तरी कर ले, तो उसका भी रोज़ा टूट जाता है और उसको भी रोज़े की क़ज़ा करना है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ और, एक कफ़ारा भी देना है। कफ़ारे का मतलब होता है जुर्माना देना है, पेनल्टी देना है। जो बातें आई हैं उसमें सिर्फ आपको क़ज़ा करना है, जानबूझकर खाने पीने से, इसी तरीके से हैज़ निफास से, जानबूझकर उल्टी करने से और इंजेक्शन ताकत का लगवाने से तो रोज़ा टूट जाता है, बाद में आपको क़ज़ा करना है। लेकिन अगर कोई अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसको रोज़े की क़ज़ा भी करना है और उसको कफ़ारा यानी कि जुर्माना भी देना है। जुर्माना क्या है? सबसे पहले गर्दन आज़ाद करना, ग़ुलाम आज़ाद करना, तो आज के वक्त में तो ये चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना, कंटिन्यू, एक भी रोज़ा ड्रॉप ना हो। अगर एक भी रोज़ा ड्रॉप हो गया तो फिर आपको शुरू से शुरू करना होगा। तीसरी चीज़, 60 मिसकीनों को खाना खिलाना। अगर गर्दन आज़ाद नहीं कर सकते हैं, 2 महीने के रोज़े रखिए, बहुत मुश्किल काम है ये, और 2 महीने के रोज़े नहीं रख सकते हैं तो 60 मिसकीनों को खाना खिलाइए। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1936। अबू हुरैरा फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं
कि बैनमा नहनु जुलूसुन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के पास यानी हम लोग सहाबा कराम अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे। जाअहु रजुलुन, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, हलकतु, अल्लाह के नबी मैं तो हलाक हो गया, अल्लाह के नबी मैं तो बर्बाद हो गया। क़ाला मा लक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या हुआ। क़ाला वक़अत वलमराति व अना सा'इमुन, अल्लाह के नबी रोज़े की हालत में मैंने अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली, रोज़े की हालत में मैंने अपनी बीवी से जमा कर लिया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल तजिदु रक़बतन तुअतिकुहा, क्या तेरे पास कोई ग़ुलाम है जिसको तू आज़ाद कर सके। क़ाल ला, अल्लाह के नबी नहीं, मेरे पास तो कोई ग़ुलाम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़हल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुततबईन, क्या तू दो महीने के कंटिन्यू रोज़े रख सकता है। قال لا, कहा अल्लाह के नबी नहीं, मैं दो महीने कंटिन्यू रोज़े भी नहीं रख सकता हूँ। فقال فهل تجد اطعام 60 مسكينا, क्या तेरे पास इतनी ताकत है कि तू 60 मिसकिनों को खाना खिलाए। قال لا, कहा अल्लाह के नबी नहीं, मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं 60 मिसकिनों को खाना खिलाऊँ। फिर अल्लाह के नबी कुछ देर के लिए बैठ गए, आप कुछ सोचने लगे। उसी वक्त उतिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम بعرق فيما تمر والعرق المقتل, अल्लाह के नबी के पास एक खजूर का टोकरा लाया गया। قال اين سائل, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो सवाल पूछने वाला आदमी कहाँ है। فقال انا, वो सवाल करने वाला आदमी कहता है अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं خذها فتصدق به, ये जो खजूर की टोकरी है इसको ले जाओ और इसको सदका कर दो। فقال الرجل, वो आदमी कहता है اعلى افقر مني يا رسول الله, अल्लाह के नबी मुझसे ज़्यादा फ़कीर कौन होगा, अय अल्लाह के नबी मुझसे ज़्यादा गरीब कौन होगा, अय अल्लाह के नबी अफ़क़रु मिन अहले बैती, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मेरा घर इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सबसे ज़्यादा गरीब है। फ़ज़हिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अन याबहु, अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए यहाँ तक कि अल्लाह के नबी के दांत ज़ाहिर हो गए। ثم قال اطعم اهلك, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ठीक है ये टोकरी ले जाओ और अपने घर वालों को इसमें से खिलाओ। तो इसमें अल्लाह के नबी ने, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास ना तो ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत थी, ना 60 दिन के रोज़े रखने की ताकत थी, और ना 60 मिसकिनों को खाना खिलाने की ताकत थी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने उसको टोकरी दे दी और फरमाया कि जाओ सदका कर दो। लेकिन कहा अल्लाह के नबी मैं ही गरीब हूँ, तो आपने कहा कि ठीक है अपने घर वालों को खिलाओ। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि इसमें जो बाद की चीज़ है, यानी कि टोकरी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको सदका कर दो, कहा अल्लाह के नबी मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, कहा तू ही रख ले, ये सिर्फ उसी के लिए ख़ास था। लेकिन आज के वक्त में अगर कोई रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा कर ले, अपनी बीवी से मिल ले, अपनी बीवी से जमा कर ले, तो उसके लिए सबसे पहले यह है कि वो गर्दन आज़ाद करे, और अगर गर्दन आज़ाद करने की ताकत नहीं है तो दो महीने के कंटिन्यू मुसलसल रोज़े रखे, एक भी ड्रॉप नहीं करे, और अगर ड्रॉप करता है तो फिर दोबारा उसके रोज़े शुरू हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, 60 मिसकिनों को खाना खिलाए। तो अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में बीवी से मिल लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। हाँ, रोज़े के बाद, इफ्तार के बाद रात में अगर मिलना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोज़े की हालत में यानी कि सहरी करने के बाद, फजर के बाद से लेकर मगरिब तक मिलना हराम है। अगर कोई ये काम कर लेता है तो मैं फिर दोहराता हूँ, उसको तीन में से एक काम करना है। पहली चीज़ ग़ुलाम आज़ाद करना है, जो कि इस वक्त मुश्किल है। दूसरी चीज़ दो महीने के कंटिन्यू रोज़े रखना है, और तीसरी चीज़ 60 मिसकिनों को खाना खिलाना है। ये चंद बातें थीं इस मौजू के ताल्लुक़ से कि वो काम जिसके करने से रोज़ा टूट जाता है। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने के साथ तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।